श्री बालू राम जी राम नाम की आड़तिया लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर। श्री बालू राम जी का जन्म संवत 1933 में फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को सीकर राजस्थान के अंतर्गत लक्ष्मणगढ़ में हुआ। बचपन में भक्त प्रहलाद की कथा सुनी, तभी से राम राम की धुन लग गई। पिता रतिराम जी ने उन्हें गुरुजी के पास पढ़ने बिठाला, पर वे गुरुजी के घर न जाकर मंदिर में चले जाते, वहाँ राम नाम की धुन में खो जाते। बड़ी मुश्किल से पिता उन्हें साधारण लिखना पढ़ना और मामूली हिसाब किताब करना सिखा पाए। सम्मत 1968 में आसाम के तेतलिया नामक स्थान में श्रीयुक्त गणेश लाल कन्हैयालाल की फर्म में 30 रुपये महीने पर मुनीम नियुक्त हुए, पर उनका राम नाम का जप और ध्यान बराबर चलता रहा। दुकान पर उन्हें हिसाब किताब के अलावा कपड़ा उठाने रखने का काम भी करना पड़ता। मालिक ग्राहक को कपड़ा दिखाता और बेचता, बालूराम जी उसे कपड़ा निकाल निकाल कर देते और ग्राहक के चले जाने पर कपड़ों की तह करके यथास्थान रख देते। दुकान का हिसाब किताब करते समय भी उनका राम नाम जब बंद रहता पर बाकी समय जब चलता रहता, कभी बाह्य रूप में कभी मानसिक रूप में। जब करते करते बालूराम जी के प्राण जप में ऐसे बस गए कि जो समय भी बिना जप के जाता वो बड़ा कष्टप्रद प्रतीत होता, उसमें प्राण छटपट आने लगते। उस समय वे नौकरी छोड़कर चल देने की सोचने लगते। एक बार ये इसी उधेड़ बुन में लगे हुए थे, उन्हें दुकान के लिए कपड़ा खरीदने को कलकत्ता भेजा गया। वहाँ तेतलिया वालों के निकट कुटुंबी श्रीयुक्त सोनीराम हनुमान दास की मार्फत बाबू सालगराम मानसिंह के फर्म से कपड़ा लिया गया। दूसरे दिन कपड़े की गांठ बंधवानी थी, पर भीतर ही भीतर उनके हृदय की गांठ जो कई दिन से ढीली पड़ती जा रही थी अब सहसा खुल गई। उस गांठ के खुलते ही उन्होंने समझ लिया कि केवल राम नाम मय जीवन ही जीवन है, बिना राम नाम की जीवन नहीं मृत्यु है। इसलिए जब सालिग्राम जी ने उनसे गांठ बंधवाने को कहा तो उन्होंने कह दिया, अब मुझे गांठ वांठ से कोई मतलब नहीं, मैंने सेठ जी की नौकरी छोड़ दी और भगवान की नौकरी कर ली है, अब दो नौकरियां एक साथ नहीं चल सकती, गांठ आप ही बंधवाइए और भिजवाइए। सालगराम जी सुन के अवाक, उन्होंने पूछा, भगवान की नौकरी करके क्या करोगे? अगर राम नाम जपूंगा और जपवाऊंगा, उन्होंने उत्तर दिया। सालगराम जी को कपड़ों की गांठ स्वयं भेजने की व्यवस्था करनी पड़ी। बालूराम जी 15-20 दिन कलकत्ते में रहकर ही राम नाम जपते रहे। कन्हैया लाल जी ने उनको पत्र लिखकर तेतलिया आने का बहुत आग्रह किया, वे तेतलिया चले गए। तब कन्हैया लाल जी ने कहा, मुनीम जी आपको मुनीम जी का काम अनुकूल नहीं दिख पड़ता हो तो वह काम भले ही छोड़ दो, आप केवल ग्राहकों को कपड़ा दिखाना और बेचने का ही काम कर लो। बालूराम जी ने कहा, मैंने अपना स्वतंत्र कारोबार आरंभ कर दिया है। कैसा कारोबार? राम नाम की आड़त का कारोबार। मतलब ये कि मैं स्वयं तो अहर्निश राम नाम का जप करूंगा और राम जी की ओर से लोगों को भी राम नाम का जप करने को कहूंगा। लोग जितना नाम जप करेंगे उसका बही खाते पर हिसाब रखूंगा और बहियां राम जी को पेश करूंगा। जिसके नाम मेरे खाते में जितना राम नाम का जप जमा होगा, राम जी उसी के अनुरूप जप करने वाले को फल देंगे। बालू राम जी ने सचमुच कलकत्ते में रहते समय अपना कारोबार आरंभ कर दिया। उन्होंने उसके लिए बही खाते तैयार करवा लिए थे और विज्ञापन छपवा लिए थे। विज्ञापन में शास्त्र प्रमाण सहित राम नाम की महिमा का उल्लेख था और लोगों से नाम जप करने की प्रतिज्ञा करवाने का अनुरोध। वे अपने बही खातों पर उनसे प्रतिज्ञा लिखवा कर हस्ताक्षर करवा लेते, तभी से उनका राम नाम का नाम अड़तिया पड़ गया। उन्होंने जो विज्ञापन छपवाया था वह इस प्रकार था, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राम नाम की आड़त का विज्ञापन। श्री हरिनाम की महिमा अपार है, स्वयं राम भी नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। राम न सकही नाम गुण गाई, अहो वह चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में हरि का नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष हरि नाम का उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप हवन तीर्थ स्थान सदाचार का पालन वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया है। जैसे जानबूझकर या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, ऐसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं।
जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जान करके अनजान में पी ले तो वह अवश्य पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर ही भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है, क्योंकि वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखती। सतयुग में जो फल मिलता है भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से, द्वापर में विधिपूर्वक सेवा पूजा करने से, वह कलयुग में मिल जाता है केवल भगवान नाम का कीर्तन करने से। कलिकाल में सदगति लाभ करने का एकमात्र उपाय हरि नाम ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। यो तो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण यही है कि इस युग में केवल श्री कृष्ण का संकीर्तन करने से सारी आसक्तियाँ छूट जाती और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए राम कहो, राम कहो, राम कहो बावरे, अवसर न चूक भोंदू, पायो भलो दावरे, राम जी को गाए गाए, राम को रिहावरे, राम जी के चरण कमल चित्त माही लावरे, कहत मलुक दास छोड़ दे तू झूठी आस, आनंद मगन होई के हरि गुण गावरे। आपका राम नाम सहजी बन जाएगा यदि आप अपनी प्रतिज्ञा सहित हमारी बही पर हस्ताक्षर कर दें। विनीत बालूराम शर्मा, आड़तिया राम नाम। आड़तिया जी ने भारत के कोने कोने में भ्रमण करके असंख्य लोगों से राम नाम जप की प्रतिज्ञा करवाई, इसका प्रमाण उनके बही खाते हैं, जिसमें साधारण लोगों से लेकर बड़े बड़े विद्वानों, वकील, बैरिस्टरों, न्यायाधीशों, तालुकेदार, राजा महाराजाओं समेत महामना मदन मोहन मालवीय जी सरी के लोगों के हस्ताक्षर है। आड़तिया जी ने अपनी आड़त के कारोबार में मस्त रह के सारा जीवन व्यतीत किया। उनकी मस्ती कितनी गहरी थी इसका पता तब चला जब संवत 1981 में अपने नौजवान विवाहित पुत्र की मृत्यु में भी लोगों ने इन्हें राम नाम लेकर नाचते देखा। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इस घटना का मर्मस्पर्शी वर्णन इन शब्दों में किया है। जब पंडित बालूराम जी के जवान पुत्र की मृत्यु हुई तब वे बड़े प्रेम से करताल बजाते हुए शव के साथ चले। लोगों ने समझा शायद पागल हो गए हों, पर ऐसी बात नहीं थी, वे सर्वदा अपने आंतरिक आलास से ही कीर्तन करते जा रहे थे। जब लोगों को यह ज्ञात हुआ कि ये पूरे होशो हवास में कीर्तन कर रहे हैं तो एक से रहा नहीं गया। उसने कहा, भगत जी ये समय जरा दूसरा है, आपको चुप रहना चाहिए। भगत जी भला खूब चुप रहने वाले थे। उन्होंने हंसकर जवाब दिया, अरे इस दिन की बात है जब मैं कीर्तन करते हुए करताल बजाते हुए उसको बहाने ले गया था, अब भगवान के घर जाते हुए उसके साथ कीर्तन करने जा रहा हूँ तो इसमें कौन सी बुरी बात है। लोग उत्तर सुनकर चुप हो गए। बड़े ही प्रसन्न चित्त से वे शव संस्कार करके घर लौट आए। लोक व्यवहार के अनुसार स्त्रियां सहानुभूति प्रकट करने आती और रोने लगती। ये लंगोट बांधे आंगन में कीर्तन करते हुए नाचने लगते। स्त्रियां इनको देखकर चुप हो जाती और अपने घर लौट जाती। 12 दिन तक इनका यही क्रम रहा। श्राद्ध होने तक ये धूमधाम से कीर्तन करते रहे, फिर राम नाम की आड़त करते हुए घूमने लगे। बालू राम जी की आड़त का काम खूब चला। ये स्वयं तो राम नाम की नौका पर बैठकर भवसागर से पार हो ही गए। लाखों लोगों को पार होने के लिए उसी नौका पर बिठा गए। राम नाम के जप के संबंध में वे कहा करते थे, उसी गली में मूत है और उसी गली में पूत, राम भजे सो पूत है और नहीं तो मूत का मूत। श्री बालू राम जी महाराज की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।